हेलो दोस्तों, मैं हूं इंडियन स्पोर्ट्स गेमर और स्वागत है आपका फीफा 20 के वोल्टा स्टोरी मोड पार्ट 12 में। और पिछले एपिसोड में हम आ गए हैं रियो से न्यूयॉर्क में, जहाँ पे एक लेजेंड्स का टूर्नामेंट चालू है और समहाउ हम भी वो लेजेंड्स टूर्नामेंट में आ गए हैं। और क्लब्स चूज करना था, हम लोग ने लिवरपूल चूज़ किया है। पहला मैच मैनचेस्टर सिटी के सामने था, वो आराम से जीत लिया। और दूसरा मैच है बोरुशिया डॉर्टमंड के साथ, और यहाँ पे देखो साला आ गए हैं। तो अच्छा, वो अच्छी चीज़ लगी मुझे कि हर एक मैच में कोई तो नए प्लेयर्स होंगे। तो इस बार पिछले मैच में वर्जिल वैन डाइक और जो गोमेस थे, ये टाइम वर्जिल वैन डाइक और मोहम्मद साला है। तो यहाँ पे मेडल लेजेंड और सामने बोरुशिया डॉर्टमंड, मेडल लेजेंड पहनेंगे लिवरपूल का टी शर्ट और दिखाएंगे उनका नया हेयर स्टाइल। यहाँ पे जैसे पॉपुलैरिटी मिल रहा है, वैसे उनका हेयर स्टाइल भी चेंज होता जा रहा है। नीचे कमेंट में लिखिए दे दोस्तों, आपको कैसा लगा ये नया लुक, पसंद आया नहीं। और बोरुशिया डॉर्टमंड से है मार्को रूस, एक्सेल विट्सेल और तीसरा प्लेयर मुझे पता नहीं कौन है, जब गोल मारेगा तो शायद मालूम पड़ेगा। और ये क्या पास था, क्या पास था, मेडन लेजेंड का पास और साला का फिनिश, बढ़िया कॉम्बिनेशन। ये देखो रिबाउंड पास और मार्को रूस को कोई चांस नहीं था। साला ने गोल मार के गिर गए, पर गोल मारा वो इम्पोर्टेंट है। नील और ये, ओ क्या इम्पोर्टेंट टैकल यहाँ पे मेडन लेजेंड का, गोल हो गया था पर बचा है। और देखो साला का स्किल्स, देखो साला का स्किल्स, देखो वहां पे वाह। और टूर्नामेंट में आके हंगामा मचा दिया है। और रोहित को कोई चांस नहीं, मुझे पता नहीं रोहित को वो क्यों अटैक करने दे रहा है, डिफेंस करने बोल रहे हैं, रोहित अटैकर होने चाहिए। और तीसरा प्लेयर फिर से एक बार ब्लॉक वैन डाइक का, बढ़िया। और ये देखो साला फिर से उनके मूव्स दिखाते हुए, और रूइस अभी अटैक करने आ गए। मेडल लेजेंड का पास, साला बीट नहीं कर पाए। और वैन डाइक अग्रेसिव टैकल और सक्सेसफुल रहा, और शूट करेंगे पर गोल नहीं मार पाए। और तीसरा है टोकुडा, तो जापनीज लेजेंड आ गए अभी इसमें। और मेडल लेजेंड का ब्लॉक, तो एक सेकंड के लिए मैं भूल गया था कि दो प्लेयर उनके क्लब के होंगे, तीसरा एक लेजेंड होगा स्ट्रीट फुटबॉल का, तो इसलिए वो लेजेंड है टोकुडा। और पास, ओ ऑलमोस्ट ओन गोल होता था, साला को थ्रू पास देने गए। यहाँ पे पहले दो गोल देने के बाद अच्छा डिफेंड कर रहे हैं, और ऐसे ही मैंने बोला और एक गोल दे दिया। एक्सेल नहीं, टोकुडा थे वहां पे, सरप्राइजिंगली टोकुडा को चकमा देके गोल मारा है। और वैन डाइक को बीट नहीं कर पाएंगे भाई, पर यहाँ पे बॉल शील कर लिया है और पहला गोल हो जाएगा। तो वैन डाइक ने टैकल बहुत बढ़िया किया, बॉल जीत लिया और फिर बॉल को घुमा दिया। साला ओपन है, दो बार शूट किया नहीं मार पाए गोल। तो मेडल लेजेंड को पास किया और फाउल नहीं दिया, फाउल और क्या टैकल किया। पर यहाँ पे साला ने पूरे चार चांस लगा दिए, और फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया डिफेंस यहाँ पे बोरुशिया डॉर्टमंड का। और यहाँ पे वैन डाइक आगे आ गए थे, और दूसरा गोल, तो कम बैक कर रहे डॉर्टमंड 3-2, और ये गोल मारा है टोकुरा ने। साला को कोई चांस नहीं था। और पीछे क्यों आए, वैन डाइक स्टील कर लिया इजीली, पर साला ने बॉल जीत लिया वापस। पर पास बकवास मेडल लेजेंड का, और थ्री ऑल हो सकता है क्या।
और मुझे डर है क्योंकि साला डिफेंड कर रहा है तो। और वैन डाइक ने बॉल स्टील कर लिया है और गोल मार दिया है, तो उनके गलती का उन्हें रिवेंज ले लिया है। दस सेकेंड बाकी पहले हाफ का, और ये क्या गोल मारा है, वैन डाइक को बीट किया मार्को रूइस ने। ये देखो पहले मेडन लेजेंड को किया और फिर वैन डाइक को किया, बहुत ही बढ़िया सोलो गोल मार्को रूइस का, और वो भी 30 सेकेंड बाकी होते हुए। और क्या मैच हो रहा है, अभी तक 4-3 स्कोर है। और सेकेंड हाफ चालू करेंगे, यहाँ पे टोटमंड भारी पड़ रहे थोड़े से लिवरपूल पे। और ओपन, और तो कूड़ा स्किल दिखा रहे थे, मेरे लेजेंड ने क्लियर कर दिया। क्या स्टील किया था बॉल, और अभी पोजीशन रखने की कोशिश, अच्छा पास मेडन लेजेंड का, साला को असिस्ट देने गए, और ये दिखाता है कि मेडन लेजेंड सेल्फिश नहीं है। साला का बढ़िया फिनिश, 5-3 लीड कर रहे अभी। और यहाँ पे साला ने बॉल जीत लिया है और फिनिश करेंगे, इजी फिनिश। और 2 सेकेंड में यहाँ पे मैच का पूरा रंग पलट गया है। 1 मिनट के ऐसे लगा था कि शायद चैलेंज करेंगे बोरुशिया डॉर्टमुंड पर, यहाँ पे 6-3 हो गया है। और फिर से साला का स्टील, मेडलिन का बढ़िया पास पर साला ने सीधा मार्को रुइस के पेट में मार दिया। और मेडन लेजेंड देखो अग्रेसिव गेम दिखा रहे हैं, और ये गोल पूरा डिजर्व करते हैं मेडन लेजेंड। अग्रेसिव गेम खेला, बॉल को इंटरसेप्ट किया और गोल मारा। ओहो, वीक फुट से कोशिश किया, और अगर यहाँ पे शायद जेडन सैंचो होते तो कुछ कमाल दिखा पाते, वो माहिर है स्ट्रीट फुटबॉल में। और क्या गोल मारा है यहाँ पे एक्सेल विट्सेल का, बहुत ही बढ़िया गोल। ये देखो वैन डाइक को कोई चांस नहीं था, उनको लगा ही नहीं इतना ऊपर बॉल मारेंगे। और मोहम्मद साला यहाँ पे कोशिश कर रहे असिस्ट की, और बहुत ही बढ़िया ब्लॉक पर फिर रिकवर नहीं कर पाए, और एक्सेल विट्सेल ने गोल कंसीड कर दिया है मेडन लेजेंड का, और एक गोल। और यहाँ पे स्कोर लाइन है 8-4। मेडन लेजेंड कोशिश कर रहे हैं बॉल स्टील करने के फिर से, और 1 मिनट बाकी है पूरा मैच में, तो और बहुत सारे गोल हो सकते हैं। वैन डाइक ने क्या बॉल स्टील किया है, और ये गो। तो यहाँ पे जो टोकुड़ा है वो स्किल्स दिखाने गए, उनका वो प्रॉब्लम दिखता है शायद। और तभी मेडल लेजेंड ने तभी वैन डाइक ने स्टील किया और मेडल लेजेंड ने फिनिश किया, और ये अच्छा गोल। यहाँ पे बहुत सारे गोल हो रहे हैं 6 मिनट में, 9-5 स्कोर लाइन है, 14 गोल हो गए अभी तक। और ये पास किया वैन डाइक को, वैन डाइक का फिनिश चूक गया, स्टील करने गए नहीं हो पाए साला। और ये ओपन था, गोल करना चाहिए था, और वैन डाइक को भी करना चाहिए था, वैन डाइक ने भी नहीं किया। आई थिंक बेटर है अगर वैन डाइक पीछे ही रहे तो। और साला का बढ़िया स्टील, दूर से शॉट पर, और देखो क्या गोल मारा, हाफ वे से एग्जैक्ट। ये देखो ये व्यू से ज्यादा आइडिया का किधर खड़े थे और किधर गोल मारा साला ने। तो बहुत सारे गोल मारे हैं साला ने, और ये मैच के पूरे एमवीपी रहे,
क्या और एक गोल मार पाएंगे? नहीं, वैन डाइक बीच में आ गए, 10 सेकेंड बाकी मैच के, और शायद एक गोल मार पाएंगे सामने वाली टीम। नहीं, वैन डाइक को चांस शूट किया पर समय खत्म हुआ था, और लिवरपूल जाएंगे सेमीफाइनल में, क्वार्टर फाइनल में, बोरुशिया डॉर्टमुंड को हरा दिया है 10-5 से। और यहाँ पे देखो मोहम्मद साला लुक्स दे रहे क्या लुक्स दे रहे मोहम्मद साला, और थोड़े एक्शन रिप्ले देखने को मिल रहा है यहाँ पे। मोहम्मद साला का स्किल्स वो देखो, क्या स्किल्स, बढ़िया यहाँ पे। और देखते कितना रेटिंग मिलता है, 9.8 रेटिंग फिर से मेडन लेजेंड को, और उनका ओवरऑल 75.5 हो गया है, और वोल्टा कॉइन्स भी मिलेंगे 376। एडवांस करते जाते हैं सेमी फाइनल में, देखते कौन सा टीम होगा, रियल मैड्रिड या पीएसजी। आई होप रियल मैड्रिड फाइनल में हो, उनको फाइनल में हराने में ज़्यादा मज़ा आएगा। नहीं, यहाँ पे रियल मैड्रिड है, 50 केमिस्ट्री, 81 रेटिंग, और साला होंगे फिर से, क्या बात है। मुझे लगा शायद ये बार और कोई नया आएगा, और साला से बेहतर कौन हो सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सोच रहा था क्या हो सकता है, पर फिर से साला है तो टेंशन नहीं है। चाहते हैं, देखते हैं रियल मैड्रिड से कौन आता है। न्यूयॉर्क सिटी, बिग एप्पल, रियल मैड्रिड से करीम बेंजेमा, एडन हैजार्ड और इजी हिटमैन। तो आई थिंक इससे बेहतर टीम नहीं हो सकती, अगर किसी को बीट करना होगा तो ये टीम को होगा। बेंजेमा हैजार्ड दोनों प्रो प्लेयर है और इजी लेजेंड है स्ट्रीट फुटबॉल के। फिर से 6 मिनट का मैच होगा, और वैन डाइक ओपन है यहाँ पे चांस, और क्या बढ़िया गोल मारा वैन डाइक ने। पहला शॉट बहुत ही जेंटल था, तो इसलिए उनको रिबाउंड वापस उनके पास से मिला और गोल मारा। बेंजेमा को कुछ आइडिया भी नहीं था क्या हुआ वहाँ पे। और यहाँ पे अगर बेटर होगा अगर बेंजेमा अटैक करे और इजी हिटमैन डिफेंड करे। यहाँ पे वैन डाइक, और वैन डाइक के पैर के नीचे से हिटमैन ने गोल मारा है, तो मेरे ख्याल से मुझे मेरा स्टेटमेंट वापस लेना पड़ेगा, हिटमैन को अटैक ही करना चाहिए। ये देखो दो पैर के बीच में से, क्या आपको याद है लास्ट टाइम वैन डाइक को इतने इजीली किसने फूल किया था? मेडल लेजेंड वैन डाइक को ढूंढ रहे हैं, वहां पे साला ओपन शूट किया पर, और हजार्ड ने मेडल लेजेंड को बीट किया है, और क्या गोल मारा है इजी हिटमैन ने। वैन डाइक एग्रेसिव टैकल करने गए पर ये देखो बॉल को लॉफ्ट किया और वैन डाइक को पूरा चकमा दे दिया। तो 2-1 से पहली बार लिवरपूल डाउन है ये टूर्नामेंट में, और वैन डाइक को फिर से बीट किया यहाँ पे हिटमैन ने, और मेडलिन का अच्छा टैकल यहाँ पे ओपन है पर पास नहीं कर पाए, और यहाँ पे तीसरा गोल हो सकता था, तीसरा गोल हो गया है। इजी हिटमैन ने तीनों के तीनों गोल मार दिए है यहाँ पे। वैन डाइक साला, और साला ने दूसरा गोल मार दिया है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया गोल साला का, और इम्पोर्टेंट भी, क्योंकि 3-1 डाउन थे तो अभी 3-2 हो गया स्कोर। और सामने है यहाँ पे वर्जिल वैन डाइक फिर से आ गए, और ये बार भी उनको बीट किया था, तो आई थिंक हिटमैन के अगेंस्ट उनको पीछे रहना चाहिए। पर ये बहुत ही बढ़िया पास, और मेडन लेजेंड ने अच्छा फिनिश किया यहाँ पे, उनका पहला गोल, और पहली बार उनको कुछ इम्पैक्ट करने मिला ये मैच में, तो इम्पोर्टेंट गोल कह सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 3-3 हो गया है। और यहाँ पे मेक श्योर करना होगा कि हिटमैन को ज़्यादा आगे कहीं होने दे, क्योंकि बहुत ही बढ़िया खेल रहे हिटमैन। और इनको फिर से बीट किया, फिर से वैन डाइक को बीट किया, और फिर से गोल मारा। हाँ, वैन डाइक को डिफेंड करने नहीं जम रहा हिटमैन के आगे, यहाँ पे चारों के चारों गोल हिटमैन की तरफ से। वहाँ पे साला नहीं मार पाए, और पास करेंगे मेडन लेजेंड को। मेडन लेजेंड देख रहे, अगर वैन डाइक, वैन डाइक ने पास, ओ साला को पास करने गए पर बीच में इंटरसेप्ट किया, और हाजार्ड ने बेंजेमा ने फिनिश किया।
इसका मतलब 5-3 हो गया स्कोर और रियल मैड्रिड रॉक कर रही है। यहाँ पे चांस फिर से एक बार हजार बीच में और काउंटर अटैक। यहाँ पे ओपन इजी गोल, इजी गोल, ये गोल नहीं जाना चाहिए था। और वही गलती कर रहे मेडन लेजेंड, अभी डिफेंड कर रहे हैं, वैन डाइक को डिफेंड करना चाहिए। साला ने गोल मार दिया है, अर्जेंट गोल। यहाँ पे 6-4 तो भी दो गोल का डेफिसिट है, यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। और साला ने बॉल इंटरसेप्ट किया है, 55 मिनट्स बाकी अभी भी हाफ में। और मिडिल लेन का अच्छा रन, शूट किया और बेंजेमा के पैर के बीच में से गोल, और तो इम्पोर्टेंट गोल यहाँ पे, क्योंकि 6-5 हो गया स्कोर। और क्या और एक गोल कर पाएंगे यहाँ पे हाफ के पहले। नहीं, बीट किया मेडन लेजेंड को। और वैन डाइक का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेव, पहला सेव ये मैच का। साला को पास किया है, साला ने शूट किया और इजी ब्लॉक था ये। और साला फिर से एक बार वैन डाइक का ब्लॉक पर फिर ओपन मिला और हजार्ड ने गोल मारा है फिर से 2 के लीड में। 7-5 स्कोर हो गया है और रियल मैड्रिड पूरे रॉक कर रहे हैं यहाँ पे। सिर्फ 18 सेकेंड बाकी, हाल ने शूट किया है, थोड़े के लिए चूक गए, पर इसका मतलब पीछे सिर्फ मेडल लेजेंड है। पर मेडल लेजेंड ने ब्लॉक किया, वैन डाइक ने फिर से बॉल दे दिया और वैन डाइक का इम्पोर्टेंट सेव, इम्पोर्टेंट टैकल और सेव गोल भी मारा यहाँ पर इसने लिया। तो फर्स्ट हाफ के एंड पे स्कोर है 7-6। यहाँ पे बहुत ही डिफिकल्ट मैच होता हुआ, रियल मैड्रिड एग्रेसिवली जबरदस्त खेल रहे हैं और लिवरपूल का डिफेंस सरप्राइजिंगली बकवास हो रहा है। सेकेंड हाफ की शुरुआत और मेडल लेजेंड कोशिश करते हुए, और यहाँ पे वो देखो हजार के स्किल्स देखो, और साला को कोई चांस नहीं। यहाँ पे वैन डाइक का सेव और साला ओपन है, शूट किया और वीक फुट से शूट किया इसलिए टारगेट छूक गए। यहाँ पे गोल करना चाहिए था और काउंटर अटैक पे इजी गोल। मुझे एक्चुअली वैन डाइक को कंट्रोल नहीं करना था, मुझे साला को कंट्रोल करना था, पर फीफा का कंट्रोल कभी कभी शक करता है। और साला अच्छी जगह पे खड़े थे, देख रहे किधर से साला को पास कर सके। अच्छा पास, और यहाँ पे मेडल लेजेंड को पास करना चाहिए था साला को, पर क्या टैकल किया मेडल लेजेंड ने। और दो बार शूट किया फिर से नहीं हो पाए। वैन डाइक का इम्पोर्टेंट टैकल यहाँ पे बहुत, और ये कैसे वैसे सेव किया और इजी गोल। यहाँ पे कोई गोलकीपर नहीं, और इसका मतलब रियल मैड्रिड ने 3 गोल का ले लिया फिर से हाफ टाइम के बाद। लिवरपूल को गोल करने ही नहीं जम रहा है, पर यहाँ पे एक गोल कर दिया है, 9-7 हो गया। तो भी और अच्छा ब्लॉक वैन डाइक का, मेडल लेजेंड को पास किया है, मेडल लेजेंड ने शूट किया है, चूक गए, और इसका मतलब पोजीशन फिर से गया है। और सिर्फ 1 मिनट 25 सेकेंड्स बचे हैं, यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। और रियल मैड्रिड डिफेंसिवली खेल रहे हैं अभी। साला का इम्पोर्टेंट टैकल, पास दिया मेडन लेजेंड को, मेडन लेजेंड ने बीट किया है और कमबैक क्या फिर से कर पाएंगे। 8-9 हुआ स्कोर, मुश्किलें बढ़ती हुई यहाँ पे दो टीम के लिए। लिवरपूल का फिर से कोशिश, पहले मैच पहले पॉइंट से डेफिसिट में है लिवरपूल। यहाँ पे अच्छा इंटरसेप्शन, मेडल लेजेंड शूट किया, पर क्या
बढ़िया सेव किया यहाँ पे वन पैर वन लेग से, और वैन डाइक का अच्छा पास पर कोई है ही नहीं रिटर्न लेने के लिए। मेडल लेजेंड ने शूट किया, ये गोल गया अंदर, इक्वलाइजर हो गया है और 9-0 हो गया है। 1 मिनट से कम समय बाकी, अब जो गोल मारेगा उसको देखना चाहिए था। और ये क्या कर रहे वैन डाइक, किधर खड़े थे वैन डाइक, किधर खड़े थे ये देखो वैन डाइक किधर जाके खड़े रह गए, और पूरा ओपन गोल पोस्ट मिला, ये बहुत ही बकवास गोल। और वैन डाइक ने बॉल दे भी दिया पर यहाँ पे फाउल, 28 सेकंड्स बाकी सिर्फ। साला ने बॉल जीत लिया है, पास किया मेडल लेजेंड को चांस, और वीक फुट से गोल मारा है, 19 सेकंड बाकी है और यहाँ पे स्कोर है 10-10। अभी जो गोल मारेगा वो जीतने वाला है, अभी जो गोल मारेगा वो जीतने वाला है। मेडल लेजेंड कोशिश करते हुए बॉल को स्टॉप करने की, और वैन डाइक का इंपॉर्टेंट टैकल, साला आगे अकेले है, पास किया और साला चुकने नहीं वाले है, क्या गोल मारा है, क्या मैच है। 5 सेकेंड बाकी है और साला ने वो भी देखा कि समय थोड़ा और वेस्ट करे और गोल मारे ताकि लिवरपूल को रिटर्न में तकलीफ ना हो। 3 सेकेंड बाकी है और साला ने अच्छा इंटरसेप्शन किया, और यहाँ पे क्या मैच हुआ, 11-10 से लिवरपूल जीती है। और दोस्तों अगर आपको ये मैच अच्छा लगा, मतलब कैसे नहीं अच्छा लगा, मेरी इधर फटी पड़ी हुई थी, अगर आपको मज़ा आएगा तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए मैच, लोगों को देखने बोलिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं किया होगा तो, किया होगा तो थैंक यू। और ये था सेमीफाइनल, और हम हैं अभी न्यूयॉर्क में स्ट्रीट टूर्नामेंट के लिए। सेमीफाइनल हम लोग ने कंप्लीट किया है, तो अभी फाइनल में सामने PSG होंगे, और शायद इसका मतलब नेमार, एम्बापे और वो वैन गिलिस जिसके साथ हमारा झगड़ा हुआ था वो होंगे, तो मुश्किलें और बढ़ती जाने वाली है। पर आई होप आपको मज़ा आएगा, तो देखते हैं अभी क्या होता है। लिवरपूल के साथ फोटो सेशन, और एजेंट आ गए वापस। टीवी इंटरव्यू, just give us 10 minutes tops here. To abhi apna interview hoga. Oh, funny. You know, it's unfortunate that more of the legends couldn't be here today. They've been replaced by younger players. Honestly, they're not at the same skill level as us. Aur ye dekho, PSG ka jersey nick pehen ke. Van Gilles. So drop it, yeah? This is what I'm talking about. These kids today don't have any respect. Okay, you're on camera throwing shade, man. Hey, I'm just talking the truth, man. Well, you think you invented the game or something? और फिर से झगड़ा ये दोनों के बीच में, फाइनल इनके बीच में होने वाला है। Move along with your little bodyguard. You ain't even worth it, bro. But Gilles, what's his problem? और Vinicius भी है, वो नहीं था Real Madrid के लिए। I know all about it. No, I'm really embarrassed. Oh, losing it like that in front of you. No. Use this fire, bro. But on the pitch, it's the only place you can make it count. Vinicius Junior से थोड़ा लाइफ एडवाइस। All this shit, it's you're just wasting time and energy. Okay, dude. Okay. Hey, thanks, man. और ब्यूटीफुल नज़ारा यहाँ पे न्यूयॉर्क का, और कंफर्मेशन कि फाइनल पेरिस सेंट जर्मन के साथ ही होने वाला है। और दोस्तों ये वीडियो तक, ये वीडियो में इतना ही, क्योंकि रियल मैड्रिड के सामने ऐसे जीत के मेरा पूरा एनर्जी ड्रेन हुआ है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, अगले वीडियो में आपको फाइनल लेके आऊँगा। तब तक के लिए मैं हूँ इंडियन स्पोर्ट्स गेमर, शुक्रिया वीडियो आखिर तक देखने पर।